Namaste and welcome back to our YouTube channel. I am Sakshi Jain and in today's video I am going to talk about GMCH Chandigarh aka Government Medical College and Hospital Chandigarh. But before getting into this video, make sure to like, share and subscribe and hit the bell icon to not miss any updates from our YouTube channel. So GMCH Chandigarh established hua tha ye 1991 mein aur ye government institute hai. Accreditation aur ranking ki baat kare to ye approved hai MCI yani ki Medical Council of India se and it ranked 29 by NIRF in 2021. Moving on to courses and fee structure और seat matrix, then इसमें ये काफी सारी specialties जो है वो offer करता है यानी कि MD और MS में. तो अगर हम देखें कौन कौन सी वो specialties हैं तो anesthesiology, biochemistry, community health and administration, forensic medicine, general medicine, microbiology, pediatrics, pathology, psychiatry और complete list जो है वो आप screen पे देख सकते हैं और video को pause कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं कि कौन कौन सी specialties हैं. अगर हम सीट्स को देखें तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है एनेस्थीसियोलॉजी में वो है 20, जिसमें से 7 रिकॉग्नाइज सीट्स हैं, 13 परमिटेड सीट्स हैं. बायोकेमिस्ट्री में टोटल 3 सीट्स हैं जो परमिटेड सीट्स हैं. देन मैं टोटल सीट्स की बात कर रही हूँ, ऑल इंडिया कोटा सीट्स की बात नहीं कर रही हूँ. बट आप स्क्रीन पे पूरा चार्ट पढ़ सकते हैं जिसमें मैंने आपको ब्रांच वाइज टोटल नंबर ऑफ सीट्स भी बताई हैं, देन उसमें ऑल इंडिया कोटे की कितनी सीट्स हैं वो भी बताई हैं, कितनी रिकॉग्नाइज सीट्स हैं और कितनी परमिटेड सीट्स हैं, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको में दी हुई है. तो आप वो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं. मैं आपको कुछ स्पेशलाइजेशन के सीट मैट्रिक्स के बारे में बता देती हूं. तो बायोकेमिस्ट्री की हमने बात कर ली थी. कम्युनिटी हेल्थ एंड एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो उसमें टोटल 1 सीट है जिसमें से वो रिकॉग्नाइज सीट है और ऑल इंडिया कोटे में कोई सीट नहीं आती उसके लिए. देन फॉरेंसिक मेडिसिन में टोटल 5 सीट्स हैं जिसमें से 1 रिकॉग्नाइज्ड है और 4 परमिटेड है. देन जनरल मेडिसिन के लिए 12 सीट्स हैं जिसमें से 3 रिकॉग्नाइज्ड है, 9 परमिटेड है. देन अगर माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो 4 सीट्स हैं, 3 रिकॉग्नाइज्ड एंड 1 परमिटेड. देन पीडियाट्रिक्स की बात करें तो 6 सीट्स हैं, 6 परमिटेड सीट्स हैं. देन अगर हम एमडी पैथोलॉजी की बात करें तो 6 रिकॉग्नाइज सीट्स हैं उसमें. देन साइकाइट्री में 7 सीट्स हैं, 4 रिकॉग्नाइज, 3 परमिटेड. देन रेडियो डायग्नोसिस में 10 सीट्स हैं, 10 परमिटेड सीट्स. देन रेडिएशन ऑनकोलॉजी में 4 सीट्स हैं, 4 परमिटेड सीट्स. देन अगर ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन की बात करें तो उसमें है 5 सीट्स, 3 रिकॉग्नाइज, 2 परमिटेड. देन ईएनटी की बात करें तो 2 रिकॉग्नाइज सीट्स हैं उसमें और 1 परमिटेड, यानी कि टोटल 3 सीट्स हैं. और कंप्लीट सीट मैट्रिक्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. फीस की बात करें तो फीस जो आपको पड़ेगी वो काफी अफोर्डेबल पड़ेगी, यानी कि 77 से 80,000 के बीच में आपको अप्रोक्सीमेटली फीस पड़ेगी पूरे कोर्स की, यानी कि इंटायर फीस आपकी इसी रेंज के बीच में होगी. हर साल 2 फीस मैट्रिक्स जो है या फीस स्ट्रक्चर है वो चेंज होता है, तो आपकी फीस में स्लाइट डिफरेंशिएशन जो है वो आ सकता है जब भी आप वीडियो देखते हैं उसके बाद जितना भी टाइम हो चुका है उसमें. ऑल इंडिया कोटा जनरल कैटेगरी 2021 की कट ऑफ की अगर हम बात करें, जिसमें मैं आपको ऑल इंडिया कोटा के कट ऑफ की बात करूंगी जनरल कैटेगरी के लिए, जिससे आपको एक रफ आइडिया मिल जाए कि आपके अगर उसके आसपास मार्क्स हैं तो आपकी क्या चांसेस हैं, या आपके उसके आसपास रैंक है तो आपकी क्या चांस है इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलने की. तो अगर हम बात करें डर्मेटोलॉजी, वेनोलॉजी और लेपर्सी की, तो 2021 में उसकी जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 779 राउंड 1 के लिए. राउंड 2 के लिए थी 1117. देन एनेस्थीसियोलॉजी में 5999 रैंक थी राउंड 1 की. देन साइकाइट्री में 2598 थी, मैं सब में राउंड 1 की रैंक बता रही हूँ. देन उसके बाद अगर हम बात करें आपके जनरल मेडिसिन की तो 475 रैंक थी. पल्मोनरी मेडिसिन में 2322 रैंक थी, कट ऑफ रैंक थी. देन रेडियोथेरेपी में 6096 कट ऑफ रैंक थी. इसके बाद अगर हम बात करें माइक्रोबायोलॉजी की तो उसमें 22153 थी कट ऑफ रैंक. और ऐसे कंप्लीट लिस्ट जो है कट ऑफ की वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और पॉज करके पढ़ सकते हैं कि आपकी डिजायर्ड स्पेशलाइजेशन या आपको जिस स्पेशलाइजेशन में एडमिशन लेना है उसमें क्या कट ऑफ गया था. तो आज मैंने आपको इस वीडियो में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़ के एमएस और एमडी प्रोग्राम के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है. वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस बनाते रहूंगी, तो हमसे जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को. थैंक यू.